कंपनी का जो छठा चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण, और वित्तीय विवरण में अपना चल रहा था बैलेंस शीट वाला। तो बैलेंस शीट में दो भाग होते हैं, वर्टिकल वाला जो फॉर्मेट अपने चल रहा है उसमें लाइबिलिटीज जो होता है उसकी सारी मदों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। लाइबिलिटीज के बाद में एसेट्स की जो मदें चालू होती है उसी के नीचे। एसेट्स को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। तो सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स। अब नॉन करेंट एसेट्स में सबसे पहले आता है फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संपत्तियां। स्थायी संपत्तियां यानी कि ऐसी संपत्तियां जिनका पीरियड जो होता है, समय होता है, वो एक वर्ष से अधिक समय के लिए होता है। उनका समय 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल या 15 साल हो सकता है। यानी कि ऐसी संपत्तियां जो लंबे समय तक व्यवसाय में काम आती है उसको हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। अच्छा, ये जो फिक्स्ड एसेट्स हैं इनको भी हम चार भागों में बांटते हैं। पहली आती है आपके टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स यानी कि मूर्त स्थायी संपत्तियां। मूर्त स्थायी संपत्तियां यानी कि ऐसी संपत्तियां जिनका कोई स्वरूप या आकार होता है जो हमारे को दिखाई देती है, जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। दूसरा है इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, अमूर्त स्थायी संपत्तियां यानी कि ऐसी संपत्तियां जिनका कोई स्वरूप या आकार नहीं होता है, जो हमारे को आंखों से दिखाई नहीं देती है, केवल व्यवसाय के लाभों को देख करके हम उसको महसूस कर सकते हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ये संपत्तियां ऐसी होती है जो पुस्तकों में लिखी जाती है, दिखाई देती है, लिखी जाती है, हम केवल उसको महसूस कर सकते हैं लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देती है कि वो कैसी होती है। इसके बाद में आता है आपके कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अर्धनिर्मित पूंजीगत कार्य। ये क्या है, यही स्थायी संपत्तियां होती है यानी कि टेंजिबल, जो पूरी तरह से निर्मित नहीं हुई है, निर्माण की अवस्था में है, निर्माण आधा हो चुका है या आधे से ज़्यादा हो चुका है लेकिन पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। जैसे कोई भी है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है तो स्थायी संपत्ति है, लेकिन वो कौन सी कहलाएगी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आता है। इसी में चौथा नंबर आता है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, यानी कि अमूर्त संपत्तियां जो अभी विकास के दौर में है, यानी कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क है, वो क्या है, अभी अपने स्वरूप में आई नहीं है, अस्तित्व में नहीं आई है, यानी कि उनके ऊपर काम चल रहा है, रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हुआ है, हमने पेटेंट नहीं करवाया है, तो वो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट होती है। तो ये जो फिक्स्ड एसेट्स होती है इसके चार प्रकार मैंने बताए, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, तो याद रखना है कि फिक्स्ड एसेट्स में ये चार आपके संपत्तियां होती है। इसके बाद में फिक्स्ड एसेट्स के बाद में दूसरा नंबर आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी कि विनियोग, क्योंकि विनियोग जो होता है वो करेंट भी होता है नॉन करेंट। नॉन करेंट का मतलब जो लंबे समय के लिए लगाया जाता है जिसमें पैसा, वो नॉन करेंट होता है। और करंट इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि एक वर्ष तक की अवधि के लिए जिसमें पैसा लगाया जाता है वो करंट इन्वेस्टमेंट होता है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है ये आपके क्या है, कई प्रकार का होता है। मुख्य रूप से इसके दो प्रकार होते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट यानी कि व्यापारिक विनियोग। व्यापारिक विनियोग क्या होते हैं, मतलब ऐसे विनियोग जो व्यापार को चलाने के लिए, व्यापार का संचालन करने के लिए, व्यापार के लाभों में वृद्धि करने के लिए किए जाते हैं। क्योंकि बगैर इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट किए व्यापार का संचालन करना असंभव होता है, मुश्किल होता है। जैसे एक फैक्ट्री है तो फैक्ट्री को चलाने के लिए फैक्ट्री की बिल्डिंग होना जरूरी है, तो वो बिल्डिंग में हमारे को पैसा लगाना ही पड़ेगा, अगर नहीं लगाएंगे तो हम वो फैक्ट्री नहीं कर सकते। या उसमें काम करने वाले जो श्रमिक है उनके लिए रहने के लिए अगर मकान बना रहे हैं तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसके अभाव में क्या है, कर्मचारियों की समस्या आ सकती है। तो व्यापार का संचालन करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए, व्यापार के लाभों में वृद्धि करने के लिए जो विनियोग किए जाते हैं वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं।
यानी कि व्यापारिक विनियोग। दूसरा होता है आपके नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यानी कि गैर व्यापारिक विनियोग। ये इन्वेस्टमेंट व्यापार में नहीं होता है, व्यापार के बाहर होता है, अप्रत्यक्षली या अप्रत्यक्ष रूप में यानी कि इनडायरेक्टली ये व्यापार को बेनिफिट पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। इस प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं कई प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यापारिक संस्था या कोई कंपनी, क्योंकि हम कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं कि कंपनी जो है उसके पास में एक्स्ट्रा अगर कोई फंड है तो कंपनी क्या करती है, अपने लाभों में वृद्धि करने के लिए उसमें पैसा लगा देती है ताकि अतिरिक्त आय अर्जित की जा सके। तो अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए व्यापार के अलावा बाहर के कार्यों में, बाहर में अगर कोई फंड लगाया जाता है, पैसा लगाया जाता है, वो कहलाता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यानी कि गैर व्यापारिक विनियोग, क्योंकि वो व्यापार में नहीं लगा हुआ है बल्कि व्यापार के बाहर लगा हुआ है। मतलब उसकी व्यापार से इसको व्यापार के संचालन से संचालन में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं भी करें तो व्यापार हमारा चलता रहेगा, लेकिन ये केवल अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए लगाया जाता है। कब, जब कंपनी के पास में एक्स्ट्रा कोई फंड हो, ज़्यादा पैसा बचा हुआ हो, तो इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। जो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कई रूपों में किया जाता है, जैसे इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। बॉन्ड्स जो होते हैं एक निर्धारित अवधि के लिए होते हैं, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी है उसके बाद में, और इन पर ब्याज की जो दर होती है काफ़ी ज़्यादा होती है और एक साथ पैसा प्राप्त होता है। इसलिए बहुत सी कंपनियां क्या करती है, इन बॉन्ड्स में पैसा लगा देती है ताकि बाद में कंपनी को एक साथ वो पैसा मिल सके। या डिबेंचर्स, कंपनी के ये खुद के डिबेंचर्स नहीं है बल्कि कंपनी क्या करती है, अन्य जो व्यापारिक संस्था है, अन्य जो कंपनियाँ हैं उनके डिबेंचर्स को क्रय कर लेती है। तो यदि कोई कंपनी अन्य व्यापारिक संस्था या कंपनी के बॉन्ड्स को या डिबेंचर्स को खरीद करके उसमें पैसा लगा देती है तो वो क्या कहलाता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है लेकिन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। या म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड होता है, इसमें भी क्या है, बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। इसमें भी क्या है, अगर संस्था, जिस संस्था के म्यूचुअल फंड खरीदे गए हैं और संस्था की स्थिति बहुत अच्छी है तो इसमें इनकम जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जाता है। या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि सरकारी जो प्रतिभूतियां होती है, सरकार के द्वारा ऐसी प्रतिभूतियां जारी की जाती है तो उसमें भी कंपनियां क्या करती है, पैसा लगा देती है। सरकार को, सरकार इसलिए जारी करती है ताकि गवर्नमेंट को अपने जन कल्याण संबंधी कार्यों के लिए फंड प्राप्त हो। और कंपनियों को बेनिफिट ये होता है कि उसमें पैसा लगाने से उनको एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त हो जाती है और उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से दूसरी कंपनियों के बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, म्यूचुअल फंड्स में या सरकारी प्रतिभूतियों में जो पैसा लगा दिया जाता है वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और ट्रेड इन्वेस्टमेंट मैंने बता ही दिया, तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये दोनों आपके किस में आते हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट यानी कि गैर चालू विनियोग, यानी कि लंबी अवधि के लिए होते हैं, लॉन्ग पीरियड वाले, एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं। नॉन करेंट का मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो लंबे समय के लिए किया जाता है, तो ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इसके बाद में आता है आपके नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बाद में डेफर्ड टैक्स एसेट्स, स्थगित कर संपत्तियां। स्थगित कर संपत्तियां हैं, जैसे लाइबिलिटीज में आता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, वैसे डेफर्ड टैक्स एसेट्स होता है। इसमें टैक्सेबल जो इनकम होती है वो ज़्यादा होती है और हमारी अकाउंटिंग इनकम जो होती है, लेखांकन आय है, वो कम होती है। लेखांकन जो आय होती है, अकाउंटिंग इनकम, वो कम, और टैक्सेबल इनकम, कर योग्य आय ज़्यादा होती है, तो उसका जो डिफरेंस होता है वो डेफर्ड टैक्स एसेट्स कहलाता है। तो ऐसा जो डिफरेंस होता है वो डेफर्ड टैक्स एसेट्स में लिखा जाता है। इसके बाद में आता है आपके लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, यानी कि दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम। देखो, कंपनियां जो है अपने कार्यों के लिए, व्यापार संबंधी कार्यों के लिए पैसा उधार ही नहीं लेती है, लोन ही नहीं लेती है, बल्कि कई बार अन्य व्यापारिक संस्थाओं को या कंपनियों को पैसा उधार भी देती है। तो यदि कंपनी ने लंबी अवधि के लिए
अन्य किसी व्यापारिक संस्था को ऋण प्रदान किया है वो लोन्स और एडवांस में आता है, और इसमें कौन सा आता है, लॉन्ग टर्म यानी कि दीर्घकालीन अवधि के लिए। अब वो दीर्घकालीन अवधि का मैंने एक ही चीज का ध्यान रखना है कि एक वर्ष से ज्यादा समय के लिए वो लॉन्ग टर्म लोन कहलाता है। तो यदि कंपनी के द्वारा अन्य व्यापारिक संस्थाओं को दीर्घकाल के लिए लोन पीरियड के लिए यदि कोई ऋण प्रदान किया है, पैसा उधार दिया है, तो वो किस में आता है, लॉन्ग टर्म एडवांस में आता है। और अन्य किसी व्यापारिक संस्था को ऋण और अग्रिम प्रदान किया जाता है, पैसा उधार दिया जाता है या लोन दिया जाता है, तो इससे कंपनी को ब्याज प्राप्त होता है और इसलिए ये एसेट्स में लिखा जाता है। क्योंकि कंपनी ने यदि लिया है तो वो तो पैसा चुकाना पड़ेगा, वो लाइबिलिटीज में आता है, लेकिन कंपनी ने अगर किसी को दिया है तो ये आपके इसमें आता है, लॉन्ग टर्म वाला नॉन करंट में आता है, नॉन करंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांस के नाम से। इसके बाद में आता है आपके अदर नॉन करंट एसेट्स, अन्य गैर चालू संपत्तियां। कुछ संपत्तियां ऐसी भी होती है जिनको हम इनमें, ये जो आपके सब हेडिंग है इनके अंदर हम नहीं दिखा सकते, तो जिन संपत्तियों को यानी कि गैर चालू संपत्तियां जो लॉन्ग पीरियड की होती है लेकिन फिर भी हम इन हेडिंग में नहीं दिखा सकते, उन संपत्तियों को हम किसमें दिखाते हैं, अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाते हैं। तो आपके फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस और अदर नॉन करंट एसेट्स, ये मदे आ गई। यानी कि नॉन करंट एसेट्स की जो मदे हैं ये तो आपकी कंप्लीट हो गई है, नॉन करंट एसेट्स की मदे कंप्लीट हो गई है, तो अब आएगा आपके करंट एसेट्स की मदे। तो अब करंट एसेट्स की मदे देखिए कौन कौन सी आती है और मेन हेडिंग कौन सी और सब हेडिंग कौन सी है और सब हेडिंग में कौन कौन सी मदे दिखाई जाती है। देखो अपने नॉन करंट एसेट्स की जो मदे हैं वो कंप्लीट हो गई, उसके बारे में आपको बता दिया। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है करंट एसेट्स, चालू संपत्तियां। चालू जो संपत्तियां हैं इनका मतलब है एक वर्ष के लिए जो संपत्तियां होती है यानी कि जिनकी अधिकतम अवधि एक वर्ष तक की होती है वो करंट एसेट्स होती है। और करंट एसेट्स में सबसे पहले आता है करंट इन्वेस्टमेंट, चालू विनियोग। करंट इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, देखो हमने इससे पहले नॉन करंट जो एसेट्स थी उसके अंदर आया था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि दीर्घकालीन विनियोग। जैसे कंपनियां लंबे समय के लिए किसी कंपनी के शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाती है लॉन्ग टर्म के लिए, वो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आता है। ठीक उसी प्रकार से यदि कंपनी शॉर्ट पीरियड के लिए यानी कि अधिकतम एक वर्ष तक के लिए अन्य किसी कंपनी या व्यापारिक संस्था के शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाती है तो वो किस में आता है, करंट इन्वेस्टमेंट में। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट में केवल इतना सा ही डिफरेंस है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग पीरियड के होता है, लॉन्ग पीरियड यानी कि वो एक साल से ज़्यादा समय के लिए, उसकी अवधि 10 साल तक भी हो सकती है, 15 साल तक भी हो सकती है, 3-4 साल भी हो सकती है। लेकिन करंट इन्वेस्टमेंट है इसकी अधिकतम अवधि एक वर्ष तक की होती है और ये इन्वेस्टमेंट भी अन्य व्यापारिक संस्थाओं में किया जाता है। तो जिसमें कंपनी किसी अन्य कंपनी के शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ऐसा ही और ऐसा कोई फंड जिसमें पैसा लगाती है अल्पकाल के लिए, एक वर्ष तक की अवधि के लिए, वो करंट इन्वेस्टमेंट में आता है। इसके बाद में आता है आपके इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज एक तरह से स्टॉक होता है। इन्वेंट्रीज में आपके क्या आता है, स्टॉक। व्यापारिक संस्था के पास में जो माल होता है, एक तो स्टॉक होता है जो व्यापारिक संस्था के पास में पहले से ही है खरीदा हुआ माल, उसको हम स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल। व्यापारिक संस्था जो है जो उत्पादन संबंधी कार्य करती है तो उत्पादन संबंधी कार्य जो करती है उनको कच्चा माल क्रय करना पड़ता है, तो कच्चे माल का जो स्टॉक होता है वो आपके इसमें रॉ मटेरियल के नाम से इन्वेंट्रीज में दिखाया जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस, अर्धनिर्मित कार्य, यानी कि ऐसा स्टॉक जो ऐसा माल जो पूरी तरह से निर्मित नहीं हुआ है, निर्माण की अवस्था में है, वो वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है। तो ऐसा बचा हुआ माल
बचा हुआ माल एक स्टॉक होता है जिसको हम रहतिया बोलते हैं। तो बचा हुआ जो माल होता है यानी कि रहतिया, अगर ऐसा है जो अर्धनिर्मित माल की अवस्था में, अर्धनिर्मित जो माल होता है उसको वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश्ड गुड्स भी बोलते हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी बोलते हैं और वर्क इन प्रोग्रेस भी बोलते हैं। यानी कि निर्माण की अवस्था में पूरी तरह से निर्मित नहीं हुआ, आधा तैयार हो चुका है आधा बाकी है। ऐसे फिनिश्ड गुड्स मतलब ऐसा माल जो पूरा है और विक्रय योग्य अवस्था में, यानी कि ऐसे माल का विक्रय किया जा सकता है, वो फिनिश्ड गुड्स कहलाता है यानी कि निर्मित माल या तैयार माल। तो बचा हुआ जो माल है कच्चा माल भी हो सकता है, अर्धनिर्मित माल भी हो सकता है और निर्मित माल भी हो सकता है, वो स्टॉक इन्वेंट्रीज में दिखाया जाता है। इसके बाद में आता है आपके लूज टूल्स। लूज टूल्स का मतलब होता है छोटे मोटे औजार, जहाँ पर उत्पादन संबंधी कार्य होता है वहाँ पर कार्य करने के लिए छोटे मोटे औजार भी रखने पड़ते हैं, जैसे मशीनों को खोलने के लिए ऐसी आपके छोटी जो मशीनें आती है और लोहे को काटने वाली मशीनें हो सकती है, ऐसा कोई भी ऐसे औजार हो सकता है यानी कि जैसे आप घर में जैसे काम में लेते हैं, आपके पेचकस है, आपके पाने वगैरह काम में लिए जाते हैं, ठीक है, रिंच पाना है उसमें खोलने के लिए, तो ऐसे जो छोटे मोटे औजार होते हैं वो लूज टूल्स में आते हैं। तो लूज टूल्स है वो भी किस में आता है, इन्वेंट्री में। तो इन्वेंट्री में बचा हुआ माल और लूज टूल्स छोटे मोटे औजार, ये दोनों इन्वेंट्रीज में आते हैं। इन्वेंट्रीज के बाद में फिर आता है आपके ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल जो होता है इसमें क्या क्या आता है आपके ट्रेड रिसीवेबल में, डेटर्स और बीआर। डेटर्स और बीआर के बारे में आप जानते ही हो, डेटर्स जिन व्यापारिक संस्थाओं को व्यक्तियों को उधार माल बेचा जाता है वो डेटर्स कहलाते हैं, और बीआर बिल्स रिसीवेबल, अगर हमने या कंपनी ने उनके ऊपर बिल लिखा है उन्होंने बिल को एक्सेप्ट करके लौटा दिया है तो वो व्यापारिक संस्था के लिए कंपनी के लिए क्या कहलाता है, बीआर। तो डेटर्स और बीआर दोनों किस में आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल में। तो देखो करंट एसेट्स में मैंने आपको तीन पॉइंट बता दिए, करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा नंबर आपके इन्वेंट्रीज जिसमें इन्वेंट्रीज में आपके स्टॉक आता है, स्टॉक तीनों प्रकार का ध्यान रखना है, चाहे कच्चा माल हो अर्धनिर्मित माल हो या निर्मित माल हो, तीनों इसी में आते हैं। और इसके बाद में लूज टूल्स छोटे मोटे औजार जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स एक्स्ट्रा जो पार्ट्स वगैरह होते हैं मशीनों में काम में आते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। और तीसरा नंबर आपके ट्रेड रिसीवेबल जिसमें डेटर्स और बीआर आते हैं। तो तीन पॉइंट हो गए, अब देखो आगे वाला पॉइंट। देखो आपके करंट एसेट्स में मैंने आपको जो टॉपिक बता दिए, ये तीन टॉपिक बता दिए, करंट एसेट्स आपकी जो मेन हेडिंग है उसकी सब हेडिंग करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल, इन तीनों के बारे में बता दिया। अब इसी के अंदर चौथी सब हेडिंग है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, रोकड़ या रोकड़ के समकक्ष, यानी कि ऐसी संपत्तियां जो या तो कैश के रूप में होती है या रोकड़ के समकक्ष मानी जाती है, रोकड़ में नहीं होती है तो भी कैश में ही मानी जाती है, जैसे कैश इन हैंड हस्तस्थ रोकड़, यानी कि हमारे पास जो कैश मौजूद है वो अपने आप में कैश है, और बैंक बैलेंस बैंक में जो पैसा जमा है वो भी कैश माना जाता है। इसके अलावा और भी ऐसी कोई संपत्ति ऐसी हो सकती है जो अभी कैश में नहीं है लेकिन उसको बहुत कम समय में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कम समय में यानी कि कुछ दिनों में, जिनको हम कुछ दिनों में ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में परिवर्तित कर सकते हैं, वो भी क्या है, रोकड़ के समकक्ष ही माना जाता है। तो मुख्य रूप से कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस आपके कैश और कैश इक्विवेलेंट में आता है। चौथे नंबर का पॉइंट आपके ये हो गया। इसके बाद में आता है पांचवें नंबर पर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। हमने लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांस में हमने पढ़ा था दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम, यदि कंपनी के द्वारा अन्य व्यापारिक संस्थाओं को कोई दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया है तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांस में आता है। ऐसे ही अगर कंपनी ने शॉर्ट पीरियड के लिए अधिकतम एक वर्ष तक के लिए अन्य व्यापारिक संस्थाओं को ऋण प्रदान किया है यानी कि पैसा उधार दिया है वो शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांस में आता है, ठीक है।
तो इसमें ध्यान रखना कि अगर कंपनी के द्वारा अन्य व्यापारिक संस्थाओं को जो पैसा उधार दिया गया है वो शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांस में आता है। बस इसमें अवधि का ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, क्योंकि लॉन्ग टर्म है वो लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांस में आएगा, नॉन करंट एसेट्स में आएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांस है तो वो करंट एसेट्स में आएगा इस वाली सब हेडिंग में। इसके बाद में आता है आपके अदर करंट एसेट्स, अन्य चालू संपत्तियां। अब देखो अदर करंट एसेट्स में आपके कौन कौन सी मदें आती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्व दत्वे, यानी कि ऐसे में जो चालू वर्ष में हमने अग्रिम भुगतान कर दिया है आगामी वर्ष से संबंधित या अगले वर्ष से संबंधित, लेकिन भुगतान हमने चालू वर्ष में कर दिया है, ऐसे प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो ऐसे प्रीपेड एक्सपेंसेस किसी भी रूप में हो सकता है, कोई भी ऐसा खर्चा, कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जिसका हमने अग्रिम भुगतान कर दिया है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, वो अदर करंट एसेट्स में दिखाया जाता है। एक है आपके एडवांस टैक्स, अग्रिम कर। अगर अग्रिम कर का भुगतान किया गया है, एडवांस में चुकाया गया है, वो भी आपके अदर करंट एसेट्स में आता है। इसके बाद में आता है आपके एक्यूरेट इनकम, उपार्जित आय, यानी कि ऐसी आय जो अर्जित कर ली गई है, कमा ली गई है लेकिन प्राप्त नहीं हुई है, वो एक्यूरेट इनकम कहलाती है, यानी कि बकाया आय जिसको हम बोल सकते हैं, बकाया आय होती है वो एक्यूरेट इनकम होती है। तो अदर करंट एसेट्स में आपके ये मद आती है। तो देखो हमने नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स की सभी मदों के बारे में हमने पढ़ लिया, और मैंने आपको क्या है इसकी मेन हेडिंग, सब हेडिंग, सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब एसेट्स की जब मदें आएगी, इन सब का हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल कर लेंगे। इससे पहले हमने क्या लगाया था टोटल, लाइबिलिटीज का। तो लाइबिलिटीज का टोटल लगाया था हम, हमारे को केवल करंट ईयर जो अमाउंट है इसी में दिखाना है। इसके बाद में एसेट्स की जो मदें आएगी उनका टोटल यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, टोटल लगा करके ले देंगे इसमें कॉलम में। और लाइबिलिटीज का हमारा आया था, तो लाइबिलिटीज और एसेट्स दोनों का टोटल बराबर होता है, तो बस इसमें पहले लाइबिलिटीज और लाइबिलिटीज के नीचे फिर हम एसेट्स दिखाते हैं। तो ये अपना क्या है बैलेंस शीट की जो मदें हैं लगभग सभी कंप्लीट हो गई। इसमें आपको क्या है बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है, सारी मदों को, मेन हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग में कौन कौन सी मदें आती है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको क्या है बुक में कहीं अलग से कुछ देखने की इसमें जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट का ये पूरा फॉर्मेट आ गया है, क्योंकि बैलेंस आपके बुक में जो फॉर्मेट दे रखा है कि मेन और सब हेडिंग का दे रखा है उसमें मदें कौन सी आती है वो नहीं दे रखी है। तो एक बार इस बैलेंस को पूरा बना करके इसको आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी याद करने के लिए, तो इसको अच्छी तरह देख लेना। और ये मैंने पहले बताया था कि इस चैप्टर के साथ साथ आगे वाले जो दो जो चैप्टर होंगे वहाँ पर भी ये आपके काम में आएंगे, तो ये फॉर्मेट आप अच्छी तरह क्लियर कर लेना।